नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रैपिडो ऐप पर अकाउंट को कैसे बनाएं। जी हाँ गाइस, आप भी रैपिडो एप्लीकेशन पर अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हैं तो गाइस आज के इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गई जहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है रैपिडो ऐप। रैपिडो ऐप सर्च करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रैपिडो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो गई जहाँ पर मैंने रैपिडो एप्लीकेशन को पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। इसके बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग देखना चाहते हैं तो गई जहाँ पर आपको 50 मिलियन प्लस डाउनलोडिंग देखने को मिल जाती है। तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 50 मिलियन प्लस लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा है। इसके बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन के रिव्यू एंड रेटेड देखना चाहते हैं तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 1 मिलियन प्लस रिव्यू देखने को मिल जाती है, 3+ रेटेड देखने को मिल जाती है। इसके बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन को 4.6 स्टार मिले हुए हैं। इसके बाद गई जहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रैपिडो एप्लीकेशन को ओपन करना है। रैपिडो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप रैपिडो एप्लीकेशन पर अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हैं तो गई जहाँ पर आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर को टाइप करना है। तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर को टाइप करता हूँ। मोबाइल नंबर को टाइप करने के बाद गई जहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर पर OTP आएंगे, वो OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएंगे। तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर OTP ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो चुकी है। इसके बाद गई जहाँ पर आपको अलाउ परमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अलाउ परमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको परमिशन को अलाउ करना है। परमिशन को अलाउ करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रैपिडो एप्लीकेशन अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आप इजी तरीके से रैपिडो एप्लीकेशन पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो गई कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।